मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिया? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टेज ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं दुनिया में। आज इस सिलसिले में हमेशा की तरह एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है, जिनका मैं तारुफ कर रहा हूँ तो शायद मेरे पास कुछ वर्ड्स कम पड़ जाए, क्योंकि इनकी खिदमात शायद इनके कद आवर होने के सबूत देती है, और इनकी जो खिदमात है पाकिस्तान लेवल पर, पंजाब लेवल पर, शायद वो मैं समझता हूँ कि उसके इतराफ़ में जितना भी कहा जाए कम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राना गुलजार अहमद साहब की। राना साहब असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया भी रहे हैं, डस्का भी रहे हैं, वज़ीराबाद भी रहे हैं, DCO लिया भी रहे हैं, जुडिशनल मजिस्ट्रेट लाहौर मॉडल टाउन कैंट में रहे हैं, डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर पंजाब रहे हैं, डायरेक्टर LDA रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ननकाना साहब रहे हैं, डायरेक्टर एंटी करप्शन साईवाल सरगोदा रहे हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और DG स्पेशल एजुकेशन पंजाब, कमिश्नर DG खान डिवीज़न और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, और अब जनाब उसके बाद वो एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट के तौर पर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है उनका। आज ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा ये सफ़र है इन्हीं लोगों के लिए, ये हमारे स्टार्स हैं, हम इनकी कहानियाँ आपके सामने लाते रहते हैं ताकि नए आने वालों को, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों को सीखने का मौका मिले, और पाकिस्तान का यही सॉफ्ट इमेज है जो दुनिया में जाता है। ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। राना गुलजार अहमद साहब आज मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। राना साहब अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए और मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर सकूँगा, जिससे जैसे आपका एक सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का वो आप आवाम तक पहुँचा सकें। और क्योंकि आपने मुझे शुरू में कहा था कि आप एक अच्छे मकसद के लिए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मोस्ट वेलकम आप तशरीफ लाएं। क्लियर जी, मेरे लिए, हमारे इदारे के लिए बड़ी खुश आइन बात है। राना साहब, अभी मैं आपके इतने डेजिग्नेशन पढ़ रहा था पोर्टफोलियो में, आपका इतना हैवी पोर्टफोलियो है माशाल्लाह, जो कि मैं समझूंगा पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। राना साहब, आपका ज़्यादातर आपके जितने भी तानियाती रही कह सकते हैं, या जितना भी आपने काम किया गवर्नमेंट के सेक्टर में किया है, जिसमें आप DCO भी रहे किसी जगह पर, किसी जगह पर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रहे, तो राना साहब इससे थोड़ा सा जानने से पहले मैं आपके बचपन में जानना चाहूँगा कि ये यहाँ तक पहुँच जाना एक आसान काम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, बहुत बड़ी सोच कारबंद होती है, बहुत जस्तजू होती है। तो मुझे ये पहले बताइए कि राना गुलजार अहमद का बचपन कहाँ गुजरा, और बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए, और वो स्ट्रगल जिसको देखते देखते आप, कोशिश करते करते आप मजिस्ट्रेट तक होने तक पहुँच गए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं राना साहब वो शॉर्टकट के ऊपर यकीन रखते हैं, तो आपकी जो स्टोरी होगी इसलिए मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी होगी, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। ये एक आप सुनेंगे तो आप भी, ज़ाहिर है मुझे भी अभी यकीन नहीं आता था कि मैं, मेरी बैकग्राउंड से जहाँ से मैं चला और जहाँ तक पहुँचा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। एक तो सबसे पहले तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से करम और उसका रहमत होता है, और वालदैन की दुआएँ होती हैं, और अल्लाह ताला आपको वसाइल ऐसे मुहैया कर देता है। मेरा बचपन ऐसा था कि मेरा जो वालदैन थे वो हिजरत करके इंडिया से ज़िला होशियारपुर से माइग्रेट होके आए थे, और यहाँ आके बहुत सी जगहों से होते हुए यहाँ सेटल हुए। मैं
मेरे वालद साहब को अल्लाह ताला ने वलायत पे फ़ायज़ अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ, उनका मज़ार भी है और उस भी होता है, उनसे मुझे बहुत कुछ लर्निंग मिली और दो दो तीन तीन घंटे वो अल्हम्दुलिल्लाह सूफीज़म पे बात, रूहानियत पे बात करते थे और मुझे कहते थे लिख भी लिया करो। लेकिन उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि उन्होंने कहना कि ये बेटा किताबों में चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप लिख लिया करें। तो वो बहुत मोहब्बत थी और वो अपने तमाम ज़िंदगी का तजर्बात और तमाम चीज़ें जो उनका नॉलेज था वो बड़ी शेयर किया करते थे और हमारी बड़ी बचपन से ही ऐसी एक था कि लंबी लंबी सीटिंग्स हुआ करती थी। तो वो अपनी दास्तान बताते थे कि इस तरह हम जब पाकिस्तान बना तो हमने कहा कि इतनी हमारे में वलवला और जोश था, उसकी तहरीक में हमने भरपूर हिस्सा लिया कि हम जाएंगे, हमारा वतन होगा, वहाँ दीन भरा इस्लाम होगा, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, आज़ादी होगी। तो जाहिर है हम भी समझते हैं कि इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। जब उनका हम जोश और बलबला देते थे वो वाकई रश्क आता था और उनकी दाद देते थे जितने भी महाजरीन आए थे हिजरत करके और एक बड़े नेक्स मकसद के लिए। और ये हिजरत की मिसाल जैसा आप समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना शरीफ हिजरत की थी तो ये उसी की एक सुन्नत है। और इसमें अल्लाह ताला जो हिजरत करके जाते हैं, मैंने देखा कि जैसे मदीना में गए तो अल्लाह ताला ने रियासत भी दी, हुकूमत भी दी और अपने फयूज़ बरकात की कमाल कर दी वहाँ पे मुहाजरीन पे, और वो खुलफाए राशिदीन भी बने। तो यहाँ पे भी जब आए तो अगरचे शुरू में हालात बड़ी सख्तियाँ झीलना पड़ी अपने मामलात में, ज़मीन की सेटलमेंट, उनकी रिहैबिटेशन, फिर मामलात, घर कोई नहीं, मकान कोई नहीं, वो एक उनकी एक लंबी दास्तान थी। बहरहाल अल्लाह ने मेहरबानी की, वो सेटल हो गए। तो उनसे एक इनक्रेज था, लेकिन वो ये भी था, कहते थे कि बेटा जो हिजरत का सिला ना वो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। तो आपका एक क्योंकि रूहानी सिलसिले से ताल्लक था, हमारे उनके पेशवा हज़रत नियाज़ुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार फैसलाबाद में है और उनके आबा अजदाद के मज़ार जो है होशियारपुर में आज भी माशाल्लाह वहाँ कायम हैं और आबाद हैं। तो वो उनके अब्बा जी बहुत सूफ़ी तबीयत के थे, पाकिस्तान बनने से पहले भी वो आर्मी में थे और उनको क्योंकि औलिया इकराम से बड़ी नस्बत थी और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी थी, तो उनकी ड्यूटी लग गई। अच्छा, आर्मी की तरफ से आप बगदाद में चले गए और आपने बड़ा ही वक्त वहाँ से गुजारा, जितना भी टाइम था वो कहते थे मैं मज़ार पर गुजारता था और वहाँ से बड़े फयूज़ बरक़ात हासिल होते थे। क्योंकि रूहानियत की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि अब्बा जी कहते हैं कि मैंने वहाँ से अपने पीर मुर्शिद नियाज़ुद्दीन शाह रहमतुल्लाह को चिट्ठी लिखी कि मैंने महबूबे सुबहानी कुतुबीरबानी गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दी और मैं मेरा जितना भी फारग वक्त होता है मैं इसी जगह पे गुजारता हूँ। तो फिर उनके मुर्शिद ने उनको लिखा कि बरखुरदार ग़ुलाम अली सलामत रहो, आपने बहुत अच्छा किया, आपने महबूबे सुबहानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़िरी दी, आपने मज़ार देखा होगा, महबूबे सुबहानी को नहीं देखा होगा। तो आप कहते हैं कि फिर मुझसे जो थे ऐसे अल्लाह ताला के फयूज़ बरक़ात हुए कि फिर मुझे ये शर्फ भी हासिल हुआ कि मैंने साहब मज़ार को भी देखा। तो ये करते जब मैं भू पैदा हुआ तो इतना बैकवर्ड एरिया था, ना वहाँ सड़क थी, ना बिजली थी, ना स्कूल थी। तो अब्बा जी को अल्लाह ने तालीम से रास्ता किया था, उनकी अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा शौर भी था, फिर लोगों से मेल मिलाप भी था। तो जब मैं हुआ तो अब्बा जी ने कहा आप दाखिल कराना है, तो अब्बा जी ने बताया कि मैं जा रहा हूँ लाहौर, यहाँ पे यासीन बट्टू मिनिस्टर एजुकेशन होता था, मुझे याद अभी तक। तो यहाँ से स्कूल मंजूर कराया तो मैं पहला स्टूडेंट वहाँ प्राइमरी में दाखिल हुआ कच्ची क्लास में। ये सर किस एरिया में? ये तहसील चूनिया है, मौजा शमसपुरा। अच्छा, उस वक्त ज़िला लाहौर होता था, अब ज़िला कसूर हो गया। अब तो बल्कि लाहौर का ऐसा ही है, तो अब कसूर का ऐसा हो गया, कसूर का ऐसा, उस वक्त लाहौर ज़िला लाहौर ही हुआ था। ज़िला लाहौर, ठीक। तो इस तरह वहाँ पे उस एजुकेशन प्राइमरी की और मैं देखा कि मेरे साथ काफ़ी बड़े बड़े एज के लड़के दाखिल हुए क्योंकि स्कूल कोई नहीं था, स्कूल से महरूम थे लोग। इसी तरह जब मैं प्राइमरी किया तो मिडिल में मैंने स्कूल गेलन अठार था, वो कुछ 7.5 किलोमीटर था, मेरी तो भी जो टांगे भी साइकिल पे नहीं पहुंचती थी, तो इतनी यही थी। तो मेरे मामू अल्लाह जान को जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ी ड्यूटी दी कि वो मुझे साइकिल पे वहाँ लेके जाते थे और फिर लेके 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए छठी सातवीं आठवीं। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये बहुत ही एक आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन किस्म की स्टोरी है कि इससे पहले जब मेरी आपसे पहले सबका गवर्नर चोई सरवर साहब से मेरी जब बात हुई तो वो 15 किलोमीटर रोज़ाना पैदल आते थे पढ़ने और बताते हैं पैदल जाते थे।
तो ये वो स्टोरी है सर जो आजकल के बच्चे जिनको बताना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। 7 किलोमीटर आप आते थे पढ़ने के लिए और ये जज्बा था आपके अंदर, एक था कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। और दूसरा है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वालिद साहब थे उनका भी एक, क्योंकि इनका एक दीनी भी था और इल्मी पहले ही था, इल्म ने अल्लाह ने उनको दिया हुआ था, तो एक मोटिवेशनल था कि करना था। और वो इस दौरान वो फिर उसके बाद जहाँ से जब मिडिल किया तो अब हाई स्कूल के लिए मुझे चूनिया शहर आना था, वो मेरे गांव में 15 किलोमीटर दूर था। तो उस वक्त मैं फिर साइकिल चलाने के काबिल हो गया था, फिर मैंने रास्ते में आधा सफ़र जो साइकिल पे करना, वहाँ साइकिल रखना, फिर बस पे बैठना, तो फिर चूनिया जाना और इसी तरह वापसी का सफ़र होना, ये डेली का सफ़र होता था 2 साल का। बहुत बड़ी बात। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया। मैट्रिक इस दौरान मेरे, क्योंकि जैसे बताया कि बाबा मेरे वालिद साहब के जो मुर्शद के बेटे थे वो बाबा जी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे और उनको अल्लाह ने रूहानियत का मुकाम दिया। तो वो छुट्टियों में, उस वक्त वो इस सिलसिले में अभी वो बैत नहीं कर रहे थे, जिससे ज़्यादा नशीन नहीं थे, लेकिन वो अब्बा जी से इतनी मोहब्बत थी रूहानी कि वो हर दिसंबर में छुट्टियाँ में फैमिली के साथ उस बैकवर्ड एरिया में भी यहाँ से अपनी कार कोठियाँ छोड़ के और गाड़ी पे जाते थे और वहाँ तो 3-4 दिन उनका स्टे होता था। और मैं देखता था सारी सारी रात और भी पीर भाई इकट्ठे हो जाते थे और इनकी महफिल सारी सारी रात लगी रहती थी। तो वो आते थे और अब्बा जी बताते थे कि जब वहाँ पे माइग्रेट आके यहाँ हुए तो आपके पीर साहब से उनका मुनकता हो गया रबता। तो एक दिन वो कहते हैं कि वो ढूंढते खुद ही वहाँ तशरीफ़ ले आए और अब्बा जी ने उनसे कहा कि ये सारे बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पे महाजरीन भी मेरा ही घर है, हमारा ही घर है चाचों के, और हम हैं बाकी लोग तो सारे लोकल हैं, तो मेरा क्या कहते हैं कि मैं यहाँ से भी हिजरत करके किसी और जगह चला जाऊँ या मैं यहाँ रहूँ। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि गुलाम अली आप इधर ही रहो। अब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा फीस भी ले लो बच्चों को पढ़ाया करें। तो अब्बा जी के जो शागिर्द थे वो उस वक्त के, वो मैंने हम देखे कि हमारी ज़िंदगी में वो स्कूलों में टीचर भी थे, हेडमास्टर भी थे, तो लोगों को तालीम दी, बिल्कुल जहालत थी उधर, और इसी तरह कुरान पाक की तालीम मेरी वालदा भरा, सारा सेन भरा होता था उस गाँव की सारी लड़कियाँ, मेरी वालदा उनको कुरान पाक की तालीम देती थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वालदान अल्लाह सही उन्हीं का फैज़ है, और उन्हीं का फैज़ है कि आज राना गुलजार अहमद हमारे सामने बैठे हैं, इंटरव्यू हम कर रहे हैं उनका, और इतने इतने बड़ा डेजिग्नेशन आपको मिले। राना साहब ये तो स्टोरी इतनी है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, और मुझे लगता है कि आपकी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन थी, बहुत ज़्यादा आपका हलूस था उनके साथ। इस स्टोरी को जारी रखते हैं राना साहब, इस वक्त टाइम हुआ एक स्मार्ट सा ब्रेक का। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं राना गुलजार अहमद साहब, जो लोग समझते हैं कि तख्लीकी तौर के ऊपर एक बैरोक्रेट भी कह सकते हैं और एक यानी कि इंतज़ामी अमूर चलाने के माहिर भी कह सकते हैं उनको, लेकिन उनके अंदर रूहानियत भी है हर जगह पर जो कि उनको विरासती तौर के ऊपर मिली है। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो सेशन जाय साहब ने कहा कि आप 302 की हथकड़ियाँ क्यों खुलवाते हैं? मैंने कहा सर इसलिए कि ला मुझे इख्तियार देता है कि जब बंदा बेगुनाह हो तो मैं उसको जेल में ना भेजूं, उसको मैं घर भेजूं। वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीर तक, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। राना गुलजार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब आपके इतने पोर्टफोलियो है, यानी कि आप मजिस्ट्रेट भी रहे, आप डिप्टी कमिश्नर भी रहे, आप DCO भी रहे, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रहे, आप डायरेक्टर LDA भी रहे, ये वो जगह हैं जहाँ पर लोगों की ख्वाहिश होती है जाना, क्योंकि पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में इन उद्दों पर रह के दो चीज़ें सामने होती हैं इंसान के, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपकी शख्सियत के मतलब ये कहा जाता है कि आप सब जगहों पर बहुत ही साफ सुथरा करेक्टर के मालिक रहे हैं और कैरियर बड़ा साफ सुथरा रहा आपका, आपने किस तरह से अपने आप को बच बचा के यहाँ से निकलते रहे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये असल में वो जो पहले मैंने बात कर चुका हूँ कि वालिद साहब के पीर साहब जब गए वहाँ पे तो उन्होंने जब कहा कि आप मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा इधर ही रहें, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ जंगल में मंगल लगेगा, अब्बा जी को उन्होंने कहा था, और ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक दुआ थी कि वहाँ पे इतना अरूज अल्लाह ने और इतनी इज्जत बख्शी वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब के डेरे पे हर उस इलाके का जागीरदार और बड़ा आता था, और मेरे वालिद साहब कभी किसी के डेरे पे नहीं गए, हम बहुत ही छोटे ज़मींदार थे,
हम कोई बड़े ज़िम्मेदार नहीं थे, लेकिन बड़े ज़िम्मेदार भी सारे वहाँ आते थे, कत्लों के फैसले भी वहाँ पे होते थे, लोगों की पंचायतें भी वहाँ होती थी, ये एक रूहानी फैज था। तो वो फैज ज़ाहिर है कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी अल्लाह ताला की तरफ से चलता रहता है। तो जैसे आपने ये कहा है उहदों का, मेरी कैरियर में कोई ऐसी उहदा नहीं कि जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो और वो मुझे ना मिला। हर उहदा जिसकी मैंने ख्वाहिश की वो मिला। मेरे पास अभी कई कुलीग होते हैं कि यार बताएं आपके पास क्या गिदड़ सिंगी थी। अभी रिसेंटली लास्ट वीक एक बंदा आया, यार कुछ बताएं अभी। मैंने कहा यार अल्लाह की तरफ से होता है ये, अपना नहीं, मेरी ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी कि मुझे वो पोस्टिंग कराते थे, ना मेरी कोई ब्यूरोक्रेटिक थी। ये जितनी पोस्टिंग थी ये बस मैं ख्वाहिश करता था और अल्लाह की ज़ात कर देती थी। ऐसा यानी कि जो आप सोचते थे ऐसा होता था कि कोई बंदा ऐसे मुझे मिल जाता जिसको मैं पहले नहीं जानता था, वो मेरा वसीला बनता था और मुझे वो उसमें मेरी आसानी मेरे लिए पैदा कर देता था। तो इसलिए जितने भी ये अहदे हैं, ये वाकई मेरे जो कोलीग्स हैं वो भी सब यही कहते हैं कि यार आपका कैरियर ऐसा है कि जिस पर रश करते हैं और हम भी सोचते हैं कि हमारा ऐसा कैरियर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं का है कि ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जब मैट्रिक में था, बल्कि 8वीं 9वीं में था, तो मेरा कच्चे हमारे मकान थे और मैं अपने सेन में, मुझे वक़्त भी याद है, और मेरी वालदा वहाँ खड़ी हुई, तो बाबा जी हमीदुद्दीन उस वक्त एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो गए वहाँ पे, तो मेरी वालदा ऐसे कहती कि उन्होंने नई कोठी बनाई थी, कार थी, या अल्लाह मेरे पुत्र नु भी ना ऐसे तरह ही कोठियाँ ते कारा दें जिमें भाई नु दितियां। वो कबूलियत का टाइम था ये, वो आप कहते हैं ना कि ये वालदैन की दुआएं कितना मैटर करती हैं। और मैं 4th में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त था काफ़ी बड़ा दाखिल हुआ, तो मैं इस तरह रास्ते में, स्कूल के रास्ते में मेरा उससे झगड़ा हो गया थोड़ा सा किसी बात पे, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट अब्बा जी की वजह से बहुत ज़्यादा होती थी। वो मैंने कहता रवे भी कहते मशरेट, जब मजिस्ट्रेट बना मैंने कहा यार ये तो फैल ने उस वक्त कहा था कि तुम्हें रवे भी कहते मशरेट। तो ये एक सिलसिला ऐसा था कि वो चलता गया, और ये एक मैं समझता हूँ कि, लेकिन एक आप देखेंगे कि इसमें जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेहनत, आपने अपनी कोशिश करनी है, अल्लाह ताला वो देता है जिसकी आप कोशिश करते हैं। ऐसा इंसान है इल्ला मासा, आपके लिए कोशिश करना, मेहनत करना फ़र्ज़ है और अल्लाह पे तवक्कल करना फ़र्ज़ है। अभी मेरा बेटा पूछ रहा था थोड़े दिन पहले कि अबू आप कैसे हो जाते बेटा। मैं क्या, मैं अपना विजन ब्रॉडर रखता था, यानी मैं अगर किसी पे हूँ तो मैं उससे बहुत आला सीट का अपने माइंड में रखता था कि या अल्लाह ये भी मुझे दे, ख्वाहिश करते थे। और वो मेरी ख्वाहिश, मेरी कमिश्नर की, जैसे ये कमिश्नर की ख्वाहिश है, कमिश्नर हमारी कैरियर की पूरी ब्यूरोक्रेसी की टॉप पोस्टिंग है, जिसमें ये सेक्रेटरीज और तमाम अहदों से बढ़ के नंबर वन। आप हमें कहें कि ब्यूरोक्रेसी की कौन सी सीट है पंजाब में, तो कमिश्नर की है। और मैं अंदाज़ा लगाएं कि मुझे पता भी नहीं है, मैं सिटी 42 पे मुझे फ़ोन आया कि यार आप देखें आप तो कमिश्नर लग गए डेरा गाजी का। मैं कह यार ऐसे मजाक कर रहे हो, कहते नहीं आप लग गए हैं कमिश्नर, आप पढ़े तो सही। मैंने देखे वाकई में वो चल रहा था वहाँ पर टिककर। और मैंने जब उधर से साथी चीफ सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आ गया, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। और कौन थे चीफ सेक्रेटरी? अकबर खान दुरानी साहब। अच्छा, बड़े नफीस जो बाद में DIG या ऐसे नहीं, कुछ वो ये पुलिस के थे, ये पुलिस के, ठीक है, ये तो पैस के थे। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा, मैंने कहा सर वो एक मेरे जहन में बात आ रही है कि आपने मुझे कमिश्नर लगा दिया है, मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं, ना मैंने किसी को कहा और ना ही कोई ऐसा चैनल था कि जिससे मैं कोई एफर्ट की हो, ये कैसे हो गया। वो बड़े मुस्कराए, उन्होंने कहा यार ये वाकई आप सही हैं कि हमने एक कैबिनेट में मीटिंग की थी, मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे, और हमने कहा यार हमने सबसे पहले कमिश्नर लगाने हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो हमने आप लोगों का पोर्टफोलियो तमाम का मंगवाया जिन्होंने फील्ड पे काम किया, जैसे आप देखते हैं मेरी पोस्टिंग्स फील्ड की हैं सारी, मैं सेक्रेटेरिएट में या इधर जिसे आप कहते हैं कि फालतू पोस्टों पर नहीं रहा, थ्रू आउट ही कैरियर में एक्टिव पोस्टिंग्स हैं, अथॉरिटेटिव पोस्टिंग है, जहाँ पर एग्जीक्यूशन वाली पोस्टिंग्स हैं, और वहाँ पे कई ऐसे काम हैं कि जो जिन पर मैं आज भी प्राउड करता हूँ कि यार फलां जगह मैंने ये काम कर दिया, फलां जगह मैंने ये काम कर दिया। तो वो कहते हैं कि हमने जब ये देखा तो हमने जब मंगाए आपके चार्ट्स, तो उसमें हमने शॉर्ट लिस्ट किया, फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमने एजेंसी से रिपोर्ट दी, फिर उनमें जो क्लियर हुए, फिर हमने जिन जिन लोगों के साथ काम किया था ब्यूरोक्रेट्स उनसे कॉन्टैक्ट किया, और फिर जब हमें बेस्ट से बेस्ट लगे 9 बंदे, तो हमने 9 बंदे कमीशन लगा दिए। तो आप अल्लाह के फजल से उसमें आ गए, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया
या अल्लाह ये इज्जत बख्श दी। सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं कहेंगे जिसको कहते हैं जो सोचना वो वैसे हो जाना, ये ऐसे इसको, ये ऐसे इसको उसके साथ अगर हम रिलेट करें तो जैसे आप बताते हैं कि जो मैं सोचता था वो हो तो हो जाता था, तो ये एक कानून तो है ना, ये एक ऐसा चीज ना। अब मैं वजीराबाद की बात करता हूँ, वजीराबाद मेरे जब ऑर्डर हो गए असिस्टेंट कमिश्नर के तो मेरी ख्वाहिश थी वहाँ पे। अब्बा जी ने मुझे पूछा, मैं डस्का से चेंज हुआ तो कहाँ लगना, मैं कहा भाई एसी वजीराबाद, तो मेरे ऑर्डर हो गए। मेरा राणा शमशाद से ताल्लुक था, वो कामों की थे, उनकी अहमद नासर चट्टा के आपस में कुछ मामला ठीक नहीं थे। उसने कहा ये भी राणा है वो भी राणा है, तो उसने ऑर्डर कराए हुए मेरी तहसील में आके ला गया। उसने वज़ीर आला से आके कहा तो मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए। मैंने कहा अब्बा जी वो मेरे ऑर्डर तो कैंसिल हो गए, आप कहाँ चाहते हैं? उर्दू में मेरे साथ बात करते थे। मैं कहा भाई मैं तो एसी वजीराबाद ही लगना चाहता हूँ। बेटा जहाँ चाहेंगे अल्लाह वहीं लगा देंगे, और ये उनके अल्फाज हैं। और फिर ऐसा करना हुआ कि हामद नासर चट्टा का दामाद ऐसे ही मुझे मिला, उसने मेरे ऑर्डर कराए, मैं वहाँ एसी लगा, फिर मुझे आने नहीं दे रहे थे। तो ये कुदरत का एक अपना निज़ाम है, अल्लाह का, अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपनी मेहनत करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें, और अल्लाह ताला अल्लाह कुल्ली शयीन कदीर है, वो कुछ भी कर देता कर सकता है, कोई चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं। जब वो कुछ करना चाहता है तो वो सिर्फ कौन कहता है भैया कौन वो हो जाता है। तो मैं जैसे मैं आप बिल्कुल आपके सामने सीधी सी बातें की हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई इतनी ब्यूरोक्रेटिक चैनल था, मेरे पास कोई चैनल था, या मैं मुझ में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खूबियाँ थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं जहाँ पे बैठता था मैं उस सीट को उसकी इज्जत कायम रखता था, वहाँ मेहनत करता था, और मेरी एक रेपुटेशन हलकों में जाती थी कि इस बंदे को फलां लगाया, ये इसकी ड्यूटीज़ है, इसने ड्यूटीज़ वाकई हक अदा किया अपना। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, मैं पॉलिटिकल एलीट के कहने पे गलत काम नहीं करता था, और अपने मामलात को वो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दानिश दी थी और खौफ खुदा, ये जो खौफ खुदा था ना ये अल्लाह ने मेरे विरासत में मुझे मिला था। मैं जब मजिस्ट्रेट था तो मेरे पास हज़ारों की तादाद में केसेस थे, और मैं मशहूर था कि मैं तीन मेरे पास मुर्ज़म पेश हुआ तो 302 का भी है ना, तो जब मैंने देखा ना कि यार ये तो बेगना है, मैं हथकड़ी दे के घर भेजता था, मैं उसको थाने नहीं भेजता था, उसको भी हथकड़ी खिला देता था। एंटी करप्शन के थाने वाहिद मैं मजिस्ट्रेट हूँ जिसने एंटी करप्शन के मुर्ज़मों, जो उस वक्त ये खबर होता था एक बड़ा ही छप्पों बड़ा मशहूर था, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए अरेस्ट करता था, तो मैं हथकड़ियाँ खिला देता था। चीफ जस्टिस तक मामला गया, बड़ी अप्रिसिएशन मिली। तो मैं डरता नहीं था, इसलिए नहीं डरता था कि जब मैंने सुबह जाना होता तो मैं अपने वालद साहब के कमरे में जाता था। मेरे वालद साहब खाते थे, सिर्फ कहते थे कि मैं जीने के लिए कुछ खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, बहुत काम खाते थे, बड़े वीक थे। और मैं उनकी छाती पर ऐसे ना लेट जाता था, वो लेटे होते थे ऊपर, और फिर वो मेरा ना माथा चूमते थे डेली सुबह, और फिर मैं उनके हाथों में ऐसे हाथ देता था, और उनका नॉलेज बड़ा था, पूछते थे आज क्या काम है, आज क्या केस होंगे, आज आपने क्या करना है, मैं सारा बताता था। ये ऐसे जब आप यानी किसी मजिस्ट्रेट थे और आपके वालिद के साथ आप उनकी चेस्ट के ऊपर छाती के ऊपर लेटते थे, जाके लेटता था, वो लेटे होते थे, मैं ऐसे और उनका माथा बोसा लेते थे, फिर मेरे हाथ में मैं ऐसे हुआ आता था, वो लेटे होते थे दोनों हाथ हाथ में होते थे, फिर वो मुझे पूछते थे कि आज आपने क्या काम करना, फिर वापसी भी पूछते थे, और मुझे फिर एक लफ्ज़ जब हाथ छोड़ते थे एक लफ्ज़ कहते थे, बेटा जालम का हाथ रोकना मजलूम की मदद करना। ऑनेस्टली भाई जान मुझे पता चला जाता था ये मजलूम है, और आपको पता ही है कि थानेदार क्या करते हैं, और मेरी कोर्ट में उनको आने से पता चलता था कि ये हम जा रहे हैं तो ये पुराना गुलजार मजलूम का साथ देगा। आप यकीन जाने के जब मैं 302 की हथकड़ियाँ खिलाता था तो ये बहुत ऊपर तक बात गई, एंटी करप्शन खिलाता था, डर मुझे लगता नहीं था, दुआएं थी, खौफ नहीं आता था। जब आप डरेंगे तो आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे। तो सेशन जज साहब ने कहा कि आप 302 की हथकड़ियाँ क्यों खुलवाते हैं? मैंने कहा सर इसलिए कि ला मुझे इख्तियार देता है कि जब बंदा बेगना हो तो मैं उसको जेल में ना भेजूँ, उसको मैं घर भेजूँ। उससे कहने 302 वीनस ऑफेंस है, तो मैं क्या क्या करूँ उसे, क्या आप हमें मुझे भेज दिया करें, फिर 302 का केस है, बंदे बेगुनाह। आपको पता है कि यहाँ कत्ल एक या दो नहीं किए होते, 15 फैमिली के बंदे डाले होते हैं इन्होंने नजायज़। तो वो अल्लाह ने एक एक्यूमेंट दिया था, वो थ्रैश आउट करते थे और पता चलता था कि नहीं यार ये तो है नहीं इसमें। वाह इंटरेस्टिंग। तो फिर ये होना कि उसने कहा जी आप भेजे, मैंने फिर उनको भेजा केस एक, तो उन्होंने एक अल्लाह बख्श रांझा साहब एडिशनल सेशन जज थे उनको भेजा, और अल्लाह बख्श रांझा ने ऊपर लिखा कि जी मेरा अख्तियार तो नहीं है, ये तो मजिस्ट्रेट का अख्तियार है। फिर उन्होंने भेजा, फिर मैंने हथकड़ी खिलाई,
वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो ये थी कि जो एक आपको समझते हैं कि खुशकिस्मती है मेरे कि मुझे वाला साहब से ये सबक मिलता था कि जालम का हाथ रोकना, मजलूम की मदद करना, और ये थ्रू आउट कैरियर ही मेरे साथ रहा है। ये लफाज मेरे साथ आज भी ऐसे ही हैं। आज भी अगर मेरे पास वकील एक जालम केस लेके जाए तो मुझे फीस दे, मैं नहीं लेता। मैं कहता भाई आपका केस मैं नहीं कर सकता। बड़ी बात है जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं राना गुलजार साहब का। इस वक्त मेरी ख़ुद आंखों में थोड़ी सी नमी है और मैं आपको बतला नहीं सकता कि बहुत देर बाद मुझे आज 123वां इंटरव्यू है मेरा। लेकिन इन जैसी, राना साहब जैसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ कब मिलती है जिन्होंने इतने बड़े ओहदों पर रह के, ये वो ओहदे हैं दुनिया के जिसके लिए हर कोई ख्वाहिश करता है, और इन ओहदों के ऊपर रह के उन्होंने इतनी इंतहाई सादगी के साथ और अपने मनसब के साथ इंसाफ किया। और ना सिर्फ, और इंटरेस्टिंग बात जो आजकल के न्यू कमर्स और न्यू जनरेशन को बताने के लिए है कि राना साहब जब मजिस्ट्रेट थे तब भी अपने वालिद साहब के साथ सुबह को जाके, जिस तरह से उनका एक एप्लीकेशन थी, प्यार मोहब्बत का तकाजा था, तो आजकल के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। डी सी ओ ले जाता तो मेरे पास पूरे MPS का डेलीगेशन आ गया जी, आप तो हमारे काम ही करते हैं ये, आप इस सारे जायज़ काम करते हैं। मैंने डायरेक्शंस दी हुई हैं आपने तमाम वीडियोस को कि यार MPA MNA का जो जायज़ काम है वो आपने रोकना नहीं है, करना है, नाजायज़ किसी करना नहीं है। अगर वो कहें कि जी करें तो उन्हें भी डी सी ओ साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज एक बहुत ही आला शख्सियत मेरे साथ इस ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में मौजूद है, जो कि कमिश्नर DG खान डिवीज़न भी रहे हैं, DCO लिया भी रहे हैं, जुडिशनल मजिस्ट्रेट लाहौर मॉरल्टन रहे हैं, डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर पंजाब रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया डस्का और वज़ीराबाद भी रहे हैं, डायरेक्टर LDA रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ननकाना साहब रहे हैं, और डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल और सरगोदा रहे हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रहे हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेजिग्नेशन उनके पास है। अगर मैं गिनवाना भी चाहूँ तो शायद टाइम कम पड़ जाए। जी राना साहब आप LDA में भी रहे हैं, खिदमत से अंजाम दिए। LDA तो कमाऊँ पुत्र अदारा है, तो राना साहब वहाँ तो बड़ी बड़ी ऑफर्स आती होगी, आपको एक साइन कर दीजिए जनाब, तो कहाँ का कहीं ऑफर्स ले जाती है इंसान को। LDA में बड़े इम्तहान आए। हाँ, असल तो इम्तहान होते हैं, और उन इम्तहान में अल्लाह ने सुरखरू किया, ऐसी ऐसी भी मामलात आए कि वो DG साहब जहाँ पे फंस जाते थे ना वो भेज देते थे। एक केस ऐसा आया कि एक तरफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिटिंग था, एक तरफ एडिशनल IG सिटिंग था, दोनों के माबैन प्लॉट खतरनाक था। ओके, अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेरी अथॉरिटी थी, मेरी प्रमोशन चंद महीने डिले भी हो गई, दूसरी तरफ एडिशनल IG था, उससे तो मेरा क्या इतना काम पड़ना था। लेकिन जब मैं मैटर देखा तो उसकी फेवर में जाता। मुझे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा कि राणा साहब फंस गए हैं आप, बड़े आप देखते कड़ा है, देखते आप करते, हाँ, क्या करते क्या। तो मैंने ठोक के लिखा, अच्छा, कि ये एडिशनल IG की फैमिली का राइट में है, ये नहीं है राइट। ओके, और वो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे काफ़ी उसमें थोड़ी परेशानी का भी कुछ महीने पड़ा, लेकिन अल्टीमेट वो परेशानी चंद माह की थी, उसके बाद दूर हो गई। तो ऐसे ऐसे इम्तहान, कई लोग ऐसे बेवा आती थी, कई ऐसे लोग आते थे, आज भी मेरे पास, मैं वकील हूँ तो वो लोग आते हैं, आपने ये लिखा हुआ था, ये जो IG साहब थे इनका फिर भी काम नहीं हो रहा था, ये फिर एक ही एडिशनल IG साहब कलबे आवाज साहब थे, तो ये पकड़ के ना मेरा नोट ही हर जगह दिखाते थे कि यार ये राणा गुलजार का नोट पढ़ लें। तो अल्टीमेट उसी नोट ने विन किया और वो वहाँ घर बना के बैठे, घर बना के। तो इसी तरह ये और कुछ खवातीन बेवगान के ये वो मामलात आते थे, तो वो नहीं डरता था कि इनको क्या मिलना है, वो बस जो किसी का होता था वो लिख देते थे। राणा साहब इन ओहदों पर रहते हुए, यानी कि ये दुनियावी ओहदे हैं, असल ओहदा वही है जो अल्लाह ताला के पास जब इंसान ने जाना है तो उसने उसका आंसर करना है, तो राणा साहब इन ओहदों में रहते हुए आपने इसको कहाँ तक जस्टिफाई करने की कोशिश की अपनी ज़ात में, अपने इख्तियारात में रहते हुए, कि यहाँ तक हो मैं गरीबों के लिए पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट, वो ये जितने ये एरियाज़ हैं, ये साइड एरियाज़ हैं, पेरिफ्रीज एरियाज़ कह सकते हैं, कहाँ तक आपने कोशिश की है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह ताला की या उसके नेक लोगों की, अम्बिया की, इंसान है, इंसान में गलतियाँ
वो सरजद हो जाती हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मैं हर किसी की गलती से इंसाफ था, गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, लेकिन असल आपकी नीयत होती है कि आपने किसी से बेइंसाफी नहीं करनी है, आपने किसी का हक नहीं मारना, हकदार को उसका हक देना है। तो इस सिलसिले में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, मुझे नज़र आ जाता था कि ये इसका राइट बनता है तो मैं उसको उसका राइट देने की पूरी कोशिश करता था, और नहीं बनता तो मैं उसमें रेजिस्ट करता था और उसके विदाउट केयरिंग कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रहा, और इसमें अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती रही और ये मामला इसी तरह चलते रहे। जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ें आती रही, थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर आपको फेस करनी पड़ती हैं कैरियर में। जब इस तरह का मतलब मैं DCU ले जाता तो मेरे पास पूरे MPAs का डेलीगेशन आ गया था जी आप तो हमारे काम नहीं करते हैं, ये आपके सारे जायज़ काम करते हैं। मैंने कहा मैंने डायरेक्शंस दी हुई हैं, आपने तमाम वीडियोस को कि यार MPA MNA का जो जायज़ काम है वो आपने रोकना नहीं है, करना है, नाजायज़ किसी का करना नहीं है। अगर वो कहें कि जी करें तो उन्हें किसी DCU साहब से बात कर, तो जायज़ आपका काम बताएं कौन सा रोको। हमारे केसेस हैं, हमारे वोटर सपोर्टर के आपकी अदालत में केसेस हैं, तो वो सारा आप तो हम कुछ कहते हैं आप उल्टा फैसला कर देते हैं। मैंने कहा आइंदा के लिए आप मुझे केसेस में सिफारिश नहीं करेंगे, ये लोगों की ज़मीनों के मामलात हैं, विरासतों के मामलात हैं, उनके राइट्स हैं, आप क्या कहते हैं कि मैं आपके कहने पे अपनी आखिरत खराब कर लूँ। वाह, तो उन्होंने कहा अल्टीमेट डिसाइड ये हुआ कि सर आप चिट हमारी रख लिया करें, फैसला जो मर्जी किया करें। तो फैसला जो बनता था चिट में उनकी रख लेता था ताकि उनके साथ पार्टी आती थी वो सेटिस्फाइड होकर चले जाते थे। तो किसी के हक में जाना होता तो MPU क्रेडिट ले जाए कि मैंने चिट दी थी, लेकिन होते होता था वो सब इस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऐसे मैटर्स थे। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जितने भी अदलिया की सीटों पे बैठे हुए हैं तो वो हाँ वो किसी भी कैटेगरी में है, रेवेन्यू में या दूसरी में, ये ज़रूर देखें कि डरें नहीं किसी का राइट करते वक्त, किसी का जितना भी जिसका हक बनता है ना उसको दें। आपने अपनी जेब से नहीं देना, कंजूसी ना करें, सखावत से करें, जो जिसका राइट बनता है उसको खुश दिली से और कम्फर्टेबली दें। आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया कि जैसे हमने किसी का फैसला ज़मीन का करना है, अच्छा ये तो इतनी कमीन ज़मीन है तो इसका फैसला करना भी आपने अपनी जेब से देना है, आपको अल्लाह ने सीट पे बिठाया इसलिए अपनी सीट से इंसाफ करें, अपनी कुर्सी पे इंसाफ करें, कुर्सियाँ ये अल्लाह की देन है। ये मैं समझता हूँ अगर मैं ये जितनी भी ओहदे हैं कि मेरी अपनी कुछ कमाल है, मेरा कमाल तो कुछ नहीं है, मैंने तो आज भी कहता हूँ कि अल्लाह की देन होती है और ये सारी उसने दी, और मैंने वकालत की तो पहले दिन से मेरी वकालत चल रही है। आप ये देखें आपको यहाँ आए हैं, आपको चैम्बर नज़र आ रहा है कि बड़ा ग्रेसफुल अल्लाह ने चैम्बर दिया है, उसी तरह जैसे कमिश्नर होते हैं आप खुद ग्रेसफुल नज़र आ रहे हैं, तो उसी तरह तैयार होते हैं सुबह, उसी तरह ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसी तरह दफ्तर आते हैं, हमला है उसी तरह जाते हैं, बल्कि पहले थोड़ा डर खौफ होता था, भाई कोर्ट के जज को भी सुना देते हैं, दूसरे को भी सुना देते हैं, भाई ये इंसाफ है, ये कानून है, ये ज़्यादा बाइज़्ज़त प्रोफेशन है। सर 21वें ग्रेड से आप रिटायर हुए फाइनली, ठीक है, और जब रिटायर हो रहा था तो पीछे आपने मुड़ के जब अपना करियर को देखा और उसके बाद आगे का तोयन किया, आपने कहा वेरी सेकंड डे से मेरा ये काम स्टार्ट हो गया था, तो ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश कि जो आप समझते हो कि यार ये काम मैं तब नहीं कर सका था लेकिन अब अल्लाह ने दोबारा कोई ऐसा अख्तियार दिया तो मैं ज़रूर करूँगा, कोई कमी रह गई थी? नहीं, ये अल्लाह का बड़ा ही करम है कि मैं ऐसा हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ अपने कैरियर पे भी, अपने मामलात पे भी। मैं अभी बेड़ा सुबह बैठा हुआ था, हम काफ़ी देर गप्पे मारते रहे, तो मैंने कहा यार ताहिर आपने ये देखा है कि हमारी फैमिली ख़ानदान में कोई भी मुझसे नाराज़ नहीं है? कहता हाँ अबू हमारे ख़ानदान में बड़ी बात बड़ी कोई नाराज़ नहीं है। तो अब मैं कह बेटा आपने देखा कि मैं भी किसी से नाराज़ नहीं हूँ? कहते हाँ। तो मैं कह बेटा जो आपने देखा कि शुरू में मेरे दोस्त हैं वो वैसे ही मेरी इज्जत करते हैं, मिलते हैं, कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसको मैंने छोड़ा हो जिसने मुझे छोड़ा हो? कहते नहीं। मैं कह ये बेटा क्रेडिबिलिटी है, तो आपके आपके जो बेलॉस आपके तअल्लुकात होते हैं ना वो वैसे होते, जहाँ पे आपके लालच आ जाता है किसी मतलब के लिए आप दोस्ती लगाते हैं, किसी गरज के लिए लगाते हैं, वो नहीं, वो अलग चीज़ जो बेलॉस हैं वो रिश्ते भी चलाते हैं। तो दूसरा आप में ये होना चाहिए कि माफ़ करने का आंसर होना चाहिए, मतलब मेरे दिल में आज किसी से थोड़ी बहुत ही हुई है ना उसने ज्यादा, तो मैं चंद लम्हों के बाद निकाल देता हूँ, मैं किसी का दिल में नहीं रखता। मैं उसको घंटे बाद एक किसी से थोड़ा बहुत बोलचाल भी हुआ तो दो चार घंटे बाद मैं उसे बोलना शुरू कर देता हूँ,
सर बहुत अच्छी बात है, और इसी वजह से आज से आप मेरी सारी अल्लाह को बड़ी, इसी वजह से आज से आप मेरी भी गुड बुक में शामिल है दोस्तों में से, और यही हमारा एक हुसन है प्रोग्राम का, यही सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, यही चेहरा वो है पाकिस्तान का जो हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखें यहाँ पर सब कुछ अच्छा भी नहीं और सब कुछ बुरा भी नहीं है। पाकिस्तान के ये वो सपूत हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए काम किया, और अच्छे लोग हर जगह पर अपना असर और तासुर छोड़ते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से दुनिया कायम रहती है। आपने देखा राणा गुलजार साहब, स्पेशली पर्सनली मैं इनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ आज, कि एक इंसान इतने ज़्यादा ओहदों पर रहा हो, हर उसने ओहदा इंजॉय भी किया, और 21वें ग्रेड पाकिस्तान की स्ट्रीम ली, यानी इसके ऊपर कोई ग्रेड नहीं है, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद भी वो आज इतनी सादगी के साथ, और उन्हें कोई पेशमानदगी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला किया जिसकी वजह से आज मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राणा साहब ये सफ़र जो आपके साथ जारी है ये हमेशा जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो आपके बाद यानी कि आपसे मुराद के आबाद नहीं बल्कि आपकी इसकी लेगेसी को लेते हुए क्या आपकी औलाद में से कोई आगे फिर आ रहे हैं अभी इसी फील्ड में? अब फील्ड में एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी में छोटा मेरा बेटा जो है उमर गुजार वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, और वो अभी CSS के भी साथ तैयारी कर रहा है। आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो चले जी, हमारी बेस्ट विशेस हैं उसके लिए भी और आपके तो लिए। जो दूसरा मेरा बेटा LLM कर रहा है वो इंशाल्लाह इस चैम्बर को ज्वाइन करेगा, और आप लोगों के लिए वक्त हो जाएंगे ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देने का मौका मिलेगा। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में हमारे मेहमान थे, और मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र जो ही जारी रहेगा। जी नाज़रीन, इसके साथ ही शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में, इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र जारी है, जारी रहेगा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज सबसे पहले है, यही हमारा सॉफ्ट इमेज है दुनिया को जो दिखाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।